Hello guys, this is Mohammad Iqbal Khan, Educate from Iqbal International Law Services. आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम लीगल लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज व्हेन मदर डिसक्वालीफाई फॉर कस्टडी. ये आज का हमारा टॉपिक है व्हेन मदर डिसक्वालीफाई फॉर कस्टडी, कि माँ कस्टडी के लिए कब डिसक्वालीफाई हो जाती है, माँ कब कस्टडी लेने की हकदार नहीं बनती, या कब माँ से कस्टडी बच्चे की वापस ली जा सकती है, या कब माँ अपने बच्चे को कस्टडी रखने के नाकाबिल हो जाती, काबिल नहीं रहती. देखिए सेक्शन 354 मोहम्मद अल्लाह के तहत हम देखते हैं कि वो कौन सी सूरतें हैं जब माँ डिसक्वालीफाई हो जाती है बच्चे की कस्टडी पर. एक तो ये है कि जब माँ शादी कर लेती है उस इंसान से जिसका ताल्लुक प्रोहिबिटेड डिग्री, बच्चे की प्रोहिबिटेड डिग्री से नहीं हो, ठीक है, बच्चे की प्रोहिबिटेड डिग्री से नहीं हो, उस इंसान से अगर शादी कर लेती, किसी स्ट्रेंजर से शादी कर लेती तो वो डिस्क्वालिफाई हो सकती है, ठीक है. और स्ट्रेंजर होता है, उससे शादी कर लेती है, और या फिर अगर वो शादी डेथ या डिवोर्स की सूरत में खत्म हो जाती है तो वो उसको राइट दोबारा मिल जाते हैं बच्चे की कस्टडी का. अगर वो स्ट्रेंजर से शादी कर लेती है, शादी करने की वजह से उसका राइट खत्म हो जाता है, लेकिन वो शादी उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है या उससे डिवोर्स हो जाती है, तो फिर उस सूरत में वो बच्चे की कस्टडी का राइट उसको दोबारा रिस्टोर हो जाता है, ये याद रखें. और दूसरी सूरत यह है कि शादी के दौरान बच्चे को बाप से अगर दूर मां रखती है, बच्चे से नहीं मिलवाती, बच्चे से दूर रखती है, तो इस सूरत में भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकती है, क्योंकि बाप का राइट है कि बच्चे से मिले, मुलाकात करे, और अभी तो शादी भी इंटैक्ट थी और इसके बावजूद भी वो बच्चे को बाप से दूर रखती है तो भी डिस्क्वालीफाई हो सकती है. और इसके अलावा अगर माँ इमोरल लाइफ गुजारती है, गलत कार्यां करती है, गलत काम करती है, इमोरल लाइफ, गैर अखलाकी जिंदगी गुजारती है, इमोरल लाइफ गुजारती है, तो उस सूरत में अगर प्रूफ मौजूद है तो बाप कोर्ट में प्रूफ दे सकते हैं और उस सूरत में भी वो बच्चे के राइट पर डिस्क्वालीफाई हो जाती है. और इसके अलावा अगर माँ जो है वो प्रॉस्टिट्यूट हो जाती है, प्रॉस्टिट्यूट का काम करती है और एज ए प्रॉस्टिट्यूट रहती है, तो प्रॉस्टिट्यूट होने की वजह से भी तवायफ बन जाती है, तो उस सूरत में भी माँ बच्चे की कस्टडी रखने के काबिल नहीं होती, उससे कस्टडी ली जा सकती है. और इसके अलावा अगर वो बच्चे को नेग्लेक्ट करती है जानबूझ के, उसकी प्रॉपर केयर नहीं करती जो उसका राइट बनता है, और उस सूरत में वो भी डिसक्वालीफाई हो जाती है. देखिए अंडर सेक्शन 352 के तहत, 352 के तहत माँ का राइट है, जिसके बताया कि बच्चों की कस्टडी का, बच्चा लड़का तो 7 साल तक, लड़की है तो 15 साल तक, एज एज ऑफ पुबर्टी बच्चों को रख सकती है, लेकिन जैसा कि बताया अगर कुछ सूरतें हैं सेक्शन 354 के तहत अगर डिसक्वालीफाई हो जाती है तो वो उसका खत्म हो जाता है. शादी करती है किसी स्ट्रेंजर से तो ऑफ कोर्स वो डिसक्वालीफाई हो जाती है. उसके लिए ला रोलिंग भी है जो हम आपको बता रहे हैं, 1995 CLC पेज है 305, और इसके अलावा 2000 MLD पेज है 1967. इसमें यही कि कहा गया है, करार दिया गया है कि अगर माँ शादी कर लेती है तो डिसक्वालीफाई होती है बच्चों के कस्टडी के लिए. मेन देखे चीजें वेलफेयर ऑफ द मैनर होती है, तो मेन कंसिडरेशन है वो वेलफेयर ऑफ द मैनर को देखा जाता है, लेकिन चूंकि वो शादी कर लेती है वहां से भी उसके बच्चे हैं, वो फिर उस सूरत में वो डिसक्वालीफाई हो जाती है बच्चे को रखने के लिए, कस्टडी के लिए. आज का टॉपिक था हमारा व्हेन मदर डिसक्वालीफाई फॉर द कस्टडी, कि माँ बच्चे क्या रखने के लिए कब डिसक्वालीफाई हो जाती है. आज का टॉपिक इसके साथ ही खत्म होता है. आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.